Good morning, students. So yesterday we have completed our revision, right? In textbook. So today we are going to start chapter number 28. That is comprehension. 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 So अभी comprehension क्या है? वो आपको ऐसे mind में question आया होगा. तो comprehension कुछ नहीं होता है. Comprehension क्या होता है? कि आप लोगों को ऐसे पैसेज दिया होता है, मतलब पैराग्राफ, ऐसा एक पूरा छोटा या बड़ा पैराग्राफ दे दिया होता है. फिर आपको वो पैराग्राफ रीड करके आपको है ना क्वेश्चन आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ऐसे उसके आंसर्स आपको पैराग्राफ में से फाइंड करने होते हैं. ये होता है कॉम्प्रिहेंशन. अभी इसमें बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस दिए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, पर हम कुछ एक दो कॉम्प्रिहेंशंस ही सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो हम पेज नंबर 90 पे जो ये है कॉम्प्रिहेंशन, माय स्पेशल फ्रेंड, MY SPECIAL स्पेशल फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड. सो राइट टूडे इज डेट CW. ये हम कॉम्प्रिहेंशन आज सॉल्व करेंगे. सो लुक एट हियर, रीड, READ, रीड द पैसेज, PASSAGE, पैसेज, गिवन, GIVEN, गिवन, बिलो, BELOW, बिलो, एंड आंसर, ANSWER, आंसर द क्वेश्चंस, QUESTIONS, क्वेश्चंस, दैट, THAT, दैट, फॉलो, FLOW, राइट, फॉलो. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि आप लोगों को यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ दिया है हमें छोटा सा, उस पैराग्राफ में से हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके हमें आंसर्स यहाँ पे फाइंड करके टिक करने हैं या राइट करने हैं. ओके, सो अभी हम पैराग्राफ रीड करते हैं. ओके, my फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, पवन, PAWN पवन, is a 7, SEVEN 7 year old boy. So यहाँ पे क्या बोला है कि मेरा फ्रेंड पवन है, वो एक क्या है, 7 year old boy है, right? Full stop. He cannot speak. CANNOT, cannot speak. SPEAK, comma. So we understand. UNDERSTAND, understand. Each, ESCH, each, other, 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 with the help, HELP, help of sign, 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 language, 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 full stop. अभी उसने बोला कि मेरा फ्रेंड पवन है, वो 7 years old है, पर वो बोल नहीं सकता है. तो वो लोग क्या करते हैं, सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज. सो वो एक दूसरे को साइन लैंग्वेज के हिसाब से समझते हैं, राइट. ही इज एबल, able टू अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड व्हाट आई से. तो साइन लैंग्वेज के हिसाब से वो समझ जाता है कि इसका फ्रेंड क्या बोलता है. वी स्टडी, STUDY, study in the same class, SAME, same, CLASS, class. He is very intelligent, INTELLIGENT, intelligent. और हम दोनों सेम क्लास में स्टडी करते हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट है. सो हमें पता है कि कोई कोई लोग होते हैं जो बाय बर्थ ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं. साइन लैंग्वेज की हेल्प से हम उनको समझा सकते हैं और वो उनकी बातें हमें समझा सकते हैं, राइट. और उनको मतलब वो इंटेलिजेंट भी होते हैं. वन डे पवन, PAWN पवन, वॉज हर्ट, HURT, हर्ट, फुल स्टॉप. सम ऑफ अवर फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, मेड फन ऑफ हिम, फुल स्टॉप. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक दिन पवन बहुत हर्ट था, मतलब दुखी था. क्यों? क्योंकि सम ऑफ अवर फ्रेंड्स, मतलब उनके कुछ फ्रेंड्स ने उसका मजाक बनाया होगा, मतलब वो बोल नहीं सकते हैं तो हमें ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, पर उनके फ्रेंड्स ने ऐसा मजाक बनाया होगा.
ही वॉज वेरी सैड, तो वो बहुत सैड था. ही मेड अ बिग BIG बिग क्रॉस CROSS क्रॉस ऑन अ शीट SHWT शीट ऑफ पेपर टू शो SHOW शो दैट ही वॉज एंग्री. तो उसने क्या किया था ऐसा हमारे ऐसे जैसे सो उसने क्या किया जैसे ये पेज है समझो ये पेज प्लेन होता तो ऐसा बिग क्रॉस बना के उसने है ना वो मतलब पेपर पे ऐसे बिग क्रॉस बनाया जैसे वो एंग्री है वो शो करने के लिए राइट. फिर क्या हुआ पवन PAWN पवन रैन RAN रैन होम HOME होम आफ्टर AFTER आफ्टर स्कूल SCHOOL स्कूल. सो पवन ने क्या किया फिर घर दौड़ के चला गया स्कूल के बाद. आई वेंट टू हिज हाउस इन द इवनिंग EVENING इवनिंग. सो मैं उसके घर गया शाम को. आई टोल्ड हिम HIM दैट आई लव्ड LOVED लव्ड हिम बिकॉज BECAUSE बिकॉज ही वॉज WS वॉज अ गुड बॉय. तो उसने उसको क्या बोला कि भाई मैं तुझे ऐसे ही पसंद करता हूँ मुझे तो ऐसे ही पसंद है बिकॉज तू एक गुड बॉय है. I also told 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 him that those THUSE those boys 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 hurt 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 him because 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 they were not good. और उन्होंने मतलब जो बॉयज थे उन्होंने उसको हर्ट किया तो वो अच्छे बॉयज नहीं हैं. दे डिड नॉट हैव अ लविंग हार्ट HERT हार्ट टू अंडरस्टैंड हिम. और उनके पास मतलब ऐसे लविंग हार्ट नहीं है मतलब वो अच्छे नहीं हैं तो उनके पास अच्छा दिल नहीं है कि वो दूसरों को समझ सके दूसरों को लव कर सके राइट. तो वो एक अच्छा बॉय है. पवन PAWN पवन स्माइल SMILED smiled at me full stop. One needs 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 a beautiful BAUTIFUL beautiful mind and heart HERT heart to make others 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 happy. तो ये जैसे उसने समझाया उसके फ्रेंड पवन को तो वो स्माइल करने लगा. तो हमेशा सबको क्या चाहिए एक ब्यूटीफुल माइंड तो चाहिए साथ साथ में एक ब्यूटीफुल हार्ट भी चाहिए दूसरों को हैप्पी रखने के लिए. ओके सो हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए. अभी देखो यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ मतलब ये स्टोरी का पैराग्राफ एक हमने रीड किया राइट. अभी हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हाउ ओल्ड वॉज पवन. तो देखो यहाँ पे हमने देखा था ना क्या है पवन इज ए 7-year-old बॉय. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमें क्या कर देना है लाइन कर देनी है हमें जहाँ जहाँ हमारा आंसर मिले वहाँ पे हमें लाइन कर देनी है. सो क्या है पवन वॉज 7-year-old राइट. हमें हमारा आंसर मिल गया ना पैराग्राफ में से हमें पूछा है पवन कितने ईयर्स ओल्ड हमने लिख दिया पवन वॉज 7-year-old. ओके अभी रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स. तो हमें क्या करना है MCQ सॉल्व करना है जैसे आप करते हो ना एग्जाम में वैसे. नंबर वन क्या है पवन PAWN पवन कुड नॉट स्पीक ही. अभी ऑप्शन क्या है यूज्ड USED यूज्ड साइन SIGN साइन लैंग्वेज. बी क्या है व्रॉट WRT व्रॉट वर्ड्स ऑन पेपर. नंबर सी banged BANGED bang the table and chairs. सो यहाँ वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता था वो है ना पेपर पे वर्ड्स लिख देता था या वो है ना टेबल कुर्सी तोड़ देता था टेबल और चेयर्स को तोड़ दिया तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करता था राइट. यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे बोला ही है ना कि वो क्या यूज़ करता था साइन लैंग्वेज. ओके सो हम क्या टिक करेंगे यूज्ड साइन लैंग्वेज. नाउ नंबर सेकेंड इज आई विजिटेड VISITED विजिटेड पवन्स हाउस. आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ नॉटी बॉय और ही वॉज अ गुड बॉय. तो उसने उसके फ्रेंड को पवन को क्या बोला था वो कैसा बॉय है
गुड बॉय है, ऐसे ही बोला था ना। देखो यहाँ पे है ना, आई टोल्ड हिम दैट आई लव हिम बिकॉज ही वॉज अ गुड बॉय। तो देखो यहाँ पे है ना, ही वॉज अ गुड बॉय, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ही वॉज अ गुड बॉय। नंबर थ्री, डू यू थिंक वी शुड हर्ट अदर चिल्ड्रन हु आर डिफरेंट इन सम वे। सो यहाँ पे क्या आएगा, हमें हर्ट करना चाहिए ऐसे चिल्ड्रंस को, नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट हर्ट अदर चिल्ड्रंस एट ऑल, मतलब हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। नंबर फोर, सर्कल टू नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइडेड, PROVID प्रोवाइडेड बिलो, PLOW बिलो। अब यहाँ पे से हमें नेमिंग वर्ड्स करने हैं, तो फर्स्ट नेमिंग वर्ड तो पवन हो जाएगा, PAWN पवन। और नेक्स्ट क्या है, स्कूल, राइट, स्कूल आया था ना, स्कूल में ये लोग सेम स्कूल में पढ़ते थे। देखो एक तो हमारा आंसर है पवन, राइट, और स्कूल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PAWN पवन, SCHOL स्कूल, कॉमा एंड स्कूल, राइट। नाउ नंबर फाइव, गिव, GIV गिव द ऑपोजिट्स, OPPOSITES ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। सो सैड का ऑपोजिट क्या होता है, हैप्पी, HAPPY हैप्पी। गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड, BAD बैड। ओके, सो आप लोगों को आज ये कॉम्प्रिहेंशन ठीक से, पहले तो पैराग्राफ आपको रीड करना है और आपको ये सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।